हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 3D हेल्थ। माय नेम इज श्रृंखला शर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक ऐसी चीज़ जो कि हमने आज के आज अगर शुरू नहीं की, एक ऐसी चीज़ जो कि अगर हमने आज के आज फॉलो नहीं की तो इसके जो इम्पैक्ट होगा, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारी स्किन पर दिखने लग जाएगा। एंड रिज़ल्ट क्या होने वाला है, हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाएगी। सो कैसे इस डैमेज को हमें बचाना है, कैसे अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखना है, कैसे अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाए रखना है और कैसे अपनी स्किन की नमी को हमें मेंटेन करके रखना है, अपनी स्किन में जो मॉइस्चर है कैसे उसे लॉक करके रखना है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या है, ऐसे में हम अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम अपनी स्किन के मॉइस्चर को लॉक कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे से उपाय करने होंगे, छोटी छोटी चीज़ें करनी होंगी, छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में। सो बेसिकली हम जान लेते हैं हमें क्या करना है और कैसे करना है। दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक तो हमें अपनी डाइट में क्या खाना है, दूसरा हमें स्किन पे क्या लगाना है। दोनों ही चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम दोनों में से एक भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें खाना क्या है, क्योंकि जो हम खाते हैं वो एक्चुअली हमारी स्किन पे विजिबल होने लगता है। सो हमें क्या खाना है, जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, इन गर्मियों के टाइम में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। सो पहली चीज़ जो कि बहुत क्लियर है, हमें अपनी डाइट में अपने लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ा देना है। हम लिक्विड ज़्यादा लेंगे, हम सूप ज़्यादा लेंगे, जूसेस ज़्यादा लेंगे और ऑफकोर्स प्लेन वाटर का अमाउंट तो हमें बढ़ा ही देना है। वो तो हमें ऑफकोर्स प्यास लगने वाली है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लेंगे। उसके अलावा हमें क्या करना है, हमें अपनी डाइट में सॉलिड का अमाउंट थोड़ा सा कम कर देना है। और बढ़ा क्या देना है, हमें फ्रूट्स का अमाउंट बढ़ा देना है, सैलेड यानी कि रॉ वेजिटेबल का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा देना है। सो खूब सारे फ्रूट्स जो कि जूसी फ्रूट्स हों, सिट्रस फ्रूट्स हों, वो हमारी डाइट में काफ़ी सारे होने चाहिए। प्लस जो भी हम सैलेड ले रहे हैं यानी कि हम जो रॉ वेजिटेबल ले रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनका वाटर कंटेंट भी अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है, आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनमें होता है काफ़ी सारा फाइबर और काफ़ी सारा वाटर कंटेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें हमारी स्किन पर लगाना क्या है। अब लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जितने भी फ्रूट्स खा रहे हैं, आप जितने भी रॉ वेजिटेबल खा रहे हैं, आप उनको कट करके स्लाइस लेके अपने फेस पर रब कर सकते हैं। चाहे आप ग्रेप्स ले रहे हैं, चाहे आप बनाना ले रहे हैं, चाहे आप पपाया ले रहे हैं, चाहे आप कोई दूसरा फ्रूट ले रहे हैं, आप उसको सिंपली कट करेंगे, स्लाइस लेंगे और उसको रब कर सकते हैं। सब्जियों में आप खीरा लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, कच्चा आलू आप अपने फेस पर लगा सकते हैं, उसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। उसके अलावा हम अपने फेस पर दही लगा सकते हैं, उसके अलावा हम अपने फेस पर हनी लगा सकते हैं यानी कि शहद लगा सकते हैं। दो चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है अगर हम हमारी डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज़, हमारी डाइट में रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का अमाउंट हम बढ़ा देंगे, लिक्विड्स का अमाउंट हम बढ़ा देंगे एंड हमारी डाइट में डेली बेसिस पे कर्ड ज़रूर होगा। कर्ड के दो बोल्स आपको ज़रूर लेने हैं यानी कि आपको दो कटोरी दही डेली ज़रूर खाना है। उसके अलावा छाछ, जिसको कि हम बटर मिल्क भी कहते हैं, वो भी आप दिन में एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, जितना आप पी सकते हैं उतना आप पीजिए क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, प्लस हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है एंड जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो सेम चीज़ हम अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कर्ड एंड रॉ मिल्क, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। जहाँ शहद हमारी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करेगा, जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं वो हमारी स्किन को अंदर से क्लीन करेंगे और जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालेंगे। अगर हम रोज़ वाटर लगा सकते हैं तो डेली शाम को अपने फेस को रोज़ वाटर से ज़रूर क्लीन कर लें, वो हमारी स्किन को एकदम क्लीन कर देगा और जो भी गंदगी है वो आप इजीली वाइप अप कर पाएंगे। सो स्किन पे लगाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करेंगी, उसके मॉइस्चर को लॉक करके रख सकती है एंड हमारी स्किन को स्मूथ बना सकती हैं, ग्लोइंग बना सकती हैं। बट इसके साथ साथ हमें दो चीज़ों का और ध्यान देना होगा। पहली चीज़, हमें पूरे दिन में कम से कम तीन बार अपना फेस वॉश ज़रूर करना है। फेस वॉश करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जितनी बार फेस को वॉश करेंगे हमेशा फेस वॉश से करेंगे। आपको सिंपली नॉर्मल ठंडे पानी से अपने फेस को धो लेना है और उसको पोंछना नहीं है, उस पानी को ऐसे करके छोड़ देना है, वो खुद एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्किन को उस वाटर को एब्जॉर्ब करने दीजिए। कभी भी गर्मियों में स्पेशली अपने फेस को कभी भी आपको पोंछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाटर जो होता है बहुत इजीली हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। दूसरी चीज़, हमें वीक में दो बार स्क्रबिंग ज़रूर करनी है क्योंकि साथ के साथ टाइमली हमें
अगर हम डेड स्किन नहीं निकालेंगे तो हमारे जो स्किन है उसका ग्लो बरकरार नहीं रहेगा। सो अगर हमें स्किन को ग्लोइंग भी बनाना है, उसको हेल्दी भी बनाना है, उसके टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, तो इन पोर्स को ओपन करना होगा। और ओपन करने के लिए हमें स्क्रबिंग करनी है वीक में कम से कम 2 बार। बट जब भी स्क्रबिंग की बात आती है, हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, स्क्रब करने के बाद हमें इमीडिएटली अपने फेस के जो भी ओपन पोर्स हैं उनको क्लोज करना होगा। और क्लोज करने के लिए मुल्तानी मिट्टी समर्स में बेस्ट काम करती है। सो स्क्रब करना है, स्क्रब करने के बाद अपने गीले फेस को सिंपली मुल्तानी मिट्टी लगा देनी है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद जब वो सूख जाएगा, आपको सिंपली उसको धो देना है नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर से, ठंडे पानी से उसको धो देना है। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप शहद लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, आप इनमें से कोई भी एक चीज़ लगा सकते हैं। बाकी आई विल रिकमेंड गर्मियों में स्पेशली आप मुल्तानी मिट्टी अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि फेस के लिए, स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ये ऐसी होम रेमेडी है जो कि एक्चुअल में काम करती है, जिसका रिजल्ट एक्चुअल में हमारी स्किन पर दिखने लगता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन छोटे छोटे चेंजेस की जो कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं एक हेल्दी स्किन, अगर हम चाहते हैं एक ग्लोइंग स्किन। सबसे पहली चीज़, हमारी जो लाइफस्टाइल होगी वो थोड़ी सी एक्टिव होगी। अपनी लाइफस्टाइल को हमें थोड़ा सा एक्टिव रखना है, यानी कि हम डेली बेसिस पर या तो कोई कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे या फिर हम योगा करेंगे, ज़रूर करेंगे। डेली 30 मिनट्स हमें ज़रूर निकालें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे स्वेटिंग होगी और जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी उतनी ज़्यादा हमारी स्किन हेल्दी होती जाएगी, क्योंकि शरीर से पसीना निकलना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करने के लिए स्वेटिंग बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम एक और चीज़ का स्पेशल ध्यान रखेंगे, हम जब भी गर्मियों में बाहर निकलते हैं हमेशा अपने पूरे फेस को अच्छे से कवर करके निकलेंगे। बेस्ट है आप अपने साथ में एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें, अपनी आईज़ को प्रॉपरली कवर करके रखें गॉगल्स के साथ। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या फिर अल्कोहल ले रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, प्लीज़ इसको लिमिट कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे स्किन की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो इनका कंजप्शन आपको बहुत ज़्यादा लिमिट कर देना है, बहुत ज़्यादा कम कर देना है, बेटर आप इसे कट कर दें। टी अगर आप कट नहीं कर सकते तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर अपना टी का टाइम प्लीज़ चेंज कर लीजिए। अर्ली मॉर्निंग के बजाय आप अपने ब्रेकफास्ट के बाद इसको ले सकते हैं या फिर इवनिंग टाइम में ले सकते हैं। और उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ज़रूर याद रखनी है, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अच्छी नींद लेनी है। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपको डेली लेनी है, क्योंकि अच्छी नींद हमारी हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।